अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा हाफिज़ है। बात कीजिए कि पीटीआई का फंड रेजिंग जो जलसा था या फंड रेजिंग 10,000 था, उसमें तकरीबन जिस कहते हैं ना 10 करोड़ कमो पेश जो है ना, एग्जैक्ट रकम तो नहीं है लेकिन 10 करोड़ का जो इंसा कहा जा रहा है वो अबूर कर दिया गया। तो इस वक्त यही वजह है कि पीटीआई और इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। इसकी एक हकीकत ये है कि अब इमरान खान पर जो तोशाखाना केस है, 1 के 2 करोड़ की गड़ी गया, उसको जेल में बैठा हुआ। अगर वो 10,000 को पाकिस्तान में इजाज़त दे दी जाती, इंटरनेट ना बंद किया जाती, ये तादाद मज़ीद ज़्यादा हो जाती। अगर इमरान खान होते तो ये मेरे ख्याल में 20 करोड़ 30 करोड़ उससे भी काम ऊपर निकल जाना था। अवाम इतनी, यही वजह है कि इमरान खान को अवाम की इतनी मोहब्बत हासिल है, और ख़ास करके ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना, जो इमरान खान पर जान निछावर करने को इस वक्त तैयार है। और उन्होंने इतनी खुली और इतनी बड़ी तादाद में डोनेशन किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और कोई पार्टी करे ना, मैं कहता हूँ 1 करोड़ तक नहीं जमा कर सकती ये बाकी पार्टीज़, जिन्होंने जितने पीटीआई ने जमा कर लिए, इससे 10 गुना ज़्यादा पीटीआई ने जमा कर लिए। असल वजूहत तो यही है कि पीटीआई को इलेक्शन में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। अगर पीटीआई आएगी तो 2/3 मेजोरिटी ले जाएगी, और अपोजिशन जैसे कहते हैं ना, इस वक्त अकरार असम की बात है कि इस वक्त इलेक्शन हो गए तो मुखालफीन की नस्लें रुल जाएंगी। यह सिचुएशन बनी हुई है मुखालफीन के लिए, तो यही सब सिचुएशन जिसकी वजह से इलेक्शन ही करवाया जा रहा है।